पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, ब्रह्म विद्या के इस चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने ये देखा कि हम जब अपने आसपास ब्रह्मांड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या चीज़ें पाते हैं। चार चीज़ों की हमने अभी तक बात करी है। पहले कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार ब्रह्मांड चल रहा है, ये पृथ्वी भी घूम रही है, हम चांद पे भी जा चुके हैं इन्हीं नियमों के सहारे, ग्रेविटेशन के नियम हैं, फिजिक्स के नियम हैं, ऐसे नाना प्रकार के नियम हैं। हाँ, हमने कितनी डिस्कवरी करी है उन नियम की, ये हमारी अपनी क्षमता पे है, हमारी वो लिमिटेशन है। जैसे कि 300-400 साल से पहले हमारे को ये नहीं पता था कि हवा में कौन सा ऐसा तत्व है जो एक प्राणी को ऊर्जा देता है, उसको ज़िंदगी देता है। फिर इस तत्व को पहचाना गया और इसका नाम ऑक्सीजन रखा गया। ऐसे ही जो हम करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी भी डिस्कवरी हुई। ये सब पिछले 300-400 साल के अंदर अंदर ही हुआ है और इन डिस्कवरीज की वजह से हम इतना प्रोग्रेस कर पाए हैं कि हम अब पानी के अंदर गोता मार सकते कई घंटे। क्यों? क्योंकि वही तत्व जो हवा में होता है उसको सिलेंडर के रूप में हम उसको अपना सांस के सहारा बना देते हैं। ऐसी करंट के माध्यम से हम, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम क्या क्या नाना प्रकार के हमने आविष्कार करे हैं, इन्वेंशंस करे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम देखते हैं नियम जो हैं वो शाश्वत हैं, लगातार रहते हैं। फिर हमने देखा कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी आती हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरसेस, इनकी डिस्कवरी हुई, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। माइक्रोस्कोप की वजह से हम देख पाए कि भाई हाँ, ये बैक्टीरिया जो हैं, ये जो जीवाणु हैं, जैसे कि टीबी है, टीबी एक महामारी है पूरी दुनिया के अंदर, हज़ारों साल से है। इजिप्ट के अंदर जो ममीज़ हैं जिनको बॉडीज़ को प्रिजर्व करा गया, उनकी हड्डियों के अंदर भी ऐसे निशान मिले कि जैसे कि उनको भी ट्यूबरक्लोसिस थी। उसका जो बैक्टीरिया है वो आज से 140 साल पहले, करीबन 150 साल पहले डिस्कवर हुआ। तो मालूम पड़ा कि भी ये कोई भगवान का कोई श्राप नहीं है बीमारियाँ। कोविड हमने देखा, अभी कोविड आया तो कोविड किस लिए आया? वायरस, एक और जीवाणु। तो क्योंकि हमारी पहचान हमें हो गई है, हमारी लिमिट्स हो गई हैं कि हम इन नेचुरल चीज़ों को पकड़ पाएँ, देख पाएँ, डिस्कवर कर पाएँ, तो हमारी उतनी ही क्षमता बढ़ती है ये जानने में कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ये नियमों से चलता है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में काफ़ी हद तक बात करी। फिर हम देखते हैं हमारे आसपास कि अलग अलग टाइप के जो लोग मिलते हैं, परिस्थितियाँ मिलती हैं। अब कोई व्यक्ति पैदा हुआ ऐसे टाइम पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका देश लड़ रहा है किसी और देश के साथ, या वहाँ पे महामारी है जैसे कोविड के अंदर हुआ, और कोई व्यक्ति जो है एक राजपाट वाले हिसाब में पैदा हुआ, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनका 8वां बच्चा भी पैदा हुआ। तो वो जो वो बच्चा पैदा हुआ है वो अच्छे सरकमस्टांसिस में, अच्छी जगह पैदा हुआ है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि सड़कों पर और बहुत गरीब माहौल के अंदर, बहुत मुश्किलातों के साथ में कई बच्चे जन्म लेते हैं उसी टाइम पे। तो ऐसे हमने देखा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कोई लोगों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हालांकि उनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। हमने देखा कि हमारी एक मिस इंडिया जो थी वो थ्री व्हीलर ड्राइवर की बेटी थी। हमने देखा पीटी उषा जो एक एथलीट थी, वो कहाँ से, गाँव से उभर के आई। तो ऐसे नाना प्रकार के हम जो है डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज़, वैरायटीज़, ये हम देखते हैं हमारे आसपास। सिर्फ आंखें खोलने की बात है। तीसरी चीज़ जो हमने देखी
कि प्राकृतिक नियम और इंसानी नियमों के अंदर कुछ फर्क है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी। तो प्राकृतिक नियम जो हैं उनका उल्लंघन हो नहीं सकता, और जो इंसान के नियम हैं, जो मैन मेड लॉज हैं, उनका हम उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए मैन मेड लॉज में तो पेनल्टी होती है, यानी कि हमें उनका जुर्माना देना पड़ता है, वो नियमों के साथ ही आता है, और उसका पूरा एक सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस सिस्टम है। जबकि प्रकृति के अंदर नियम को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, जब हम तोड़ ही नहीं सकते तो वहाँ पेनल्टी का सवाल ही नहीं आता। ये हमारा तीसरी ऑब्जर्वेशन है। जो आदमी सजग है, जो व्यक्ति देख सकते हैं, तो वो ये पाते हैं तीनों चीज़ें। चौथी चीज़ जो हमने देखी कि हम सब लोग स्वतंत्र हैं कि जो हम करना चाहें हम कर सकते हैं, एक दायरे के अंदर जो हमारी मर्जी है, जो हमारा मन करता है हम कर सकते हैं। हम चाहें आज रात जो है आज सोएं ना, हो सकता है हम आज जल्दी सोना चाहें, हो सकता है हम आज कोई मैच देखने चले जाएँ, कोई पिक्चर के चले जाएँ, हो सकता है हम आज एक्स्ट्रा काम करें अपने जहाँ हम काम करते हैं ऑफिस के अंदर। हम स्वतंत्र हैं काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में। ये स्वतंत्रता और ये वैरायटी और ये पेनल्टी ना होना यूनिवर्सल लॉज में, और यूनिवर्सल लॉज फिर भी लागू होते हैं, तो ये तो ऐसा जो ये चारों ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है कि कुछ मामला ठीक नहीं है। जस्टिस कैसे होगी? एक इंसान जो ताकतवर है दूसरे इंसान पे हावी हो जाएगा, अगर वो मैन मेड लॉ से बच जाए तो जस्टिस कहाँ है? यूनिवर्सल लॉज में तो पेनल्टी नहीं है। तो हमने फिर आगे जाना कि ये जो लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस जिसको कहा है हमने, लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ हार्मनी, लॉ ऑफ हार्वेस्ट, ऐसे कई नाना प्रकार के नाम हैं, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन भी उनमें से एक नाम है। तो ये जो लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस है ये कैसे ऑपरेट करके इस नियम को जो प्रकृति के अंदर है कि आप प्राकृतिक नियमों को तोड़ नहीं सकते, इसकी वजह से जो तकलीफ़ें या जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको कैसे जस्टिफाई करता है, कैसे करेक्ट करता है। दूसरा पार्ट हमने ये भी समझा कि कर्म जो हम करते हैं वो कहाँ कहाँ से हम करते हैं, क्या क्या एजेंसी से हम कर्म करते हैं। हर एक व्यक्ति चार जगहों से कर्म करता है। पहला जो है वो अपने हाथों से, शरीर से करता है, एक्शन से। दूसरा अपने वाणी से, स्पीच से करता है। तीसरा अपने इमोशन से करता है, जो उसके अंदर इमोशंस आते हैं, चाहे वो प्यार के आएँ, गुस्से के आएँ, वो भी कर्म हैं वो, मगर सूक्ष्म जगत में कर्म होते हैं वो। और चौथा है जो अपने विचारों से करता है, कि वो सोचता है, प्लानिंग करता है, एनालिसिस करता है, ऑर्गेनाइज करता है, जो उसके पास में आइडियाज़ हैं उनके ऊपर काम करता है। तो ये जो चार प्रकार के जो हम कर्म करते हैं, यानी हम फोर्सेस इंट्रोड्यूस करते हैं संसार के अंदर, ये फोर्सेस जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम डालते हैं, तो हम संसार के अंदर एक रिएक्शन पैदा करते हैं। ये तो है लॉ ऑफ कर्म, कि हम जब कोई चीज़ों को करते हैं तो हमारे को उसका वापस एक रिएक्शन आता है। इसको ऐसा भी समझाया गया है, इसलिए मैं इसको अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई किताबों में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ हार्मनी के रूप में, कि जब हम एक संसार के सिस्टम के अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है उसमें जब हार्मनी ख़राब करते हैं, जब हम हार्मनी ब्रेक करते हैं, जैसे कि आपके घर में फर्नीचर रखा हुआ है और आपने सजा के रखा हुआ है, एक बच्चा आता है और एक सामान उठा के इधर फेंकता है, दूसरा सामान उधर, तो उसने उस जगह की हार्मनी को ख़राब कर दिया। जब हार्मनी को ख़राब कर दिया तो क्या हुआ फिर, कि अब सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, जिसको लॉ ऑफ कर्म हमने कहा है, ये सृष्टि का विधान है, ये प्राकृतिक नियम है, ये उस हार्मनी को वापस लेके आता है। तो इसे हम इसको लॉ ऑफ कर्म कहा है और लॉ ऑफ हार्मनी भी कहा है, कि जो हम हार्मनी ख़राब करते हैं तो हमें वापस उसका रिएक्शन मिलता है, वापस हम हार्मनी में चीज़ों को लेके आएं। तो लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन भी कहा है कि अगर हमने किसी से कोई चीज़ ली है तो हमें वह वापस देनी पड़ेगी, या किसी ने हमसे कोई चीज़ ली है
तो हमें वापस मिलेगी। और हम जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, जो चार ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, तो लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस हम कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे को जो लोग मिलते हैं ज़्यादातर, वो कंप्लेंट करते ही मिलते हैं कि मेरी किस्मत में ये ठीक नहीं है, मेरी किस्मत में वो था नहीं, देखो दूसरे को क्या मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैंने भी उतनी मेहनत करी, मुझे तो फिर भी नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है कि मैं यहाँ पैदा हुआ, काश मैं उधर पैदा होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती जो उसको मिली है, मेरे को मिलती तो मैं भी दिखा देता। हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, क्योंकि हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लाइफ अनफेयर है, यानी जस्टिस नहीं है, अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि देखो जी मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है, मगर दुनिया के नियम और दुनिया के जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ हैं, या उनका एक्शन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। मगर लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस के अंदर ये क्लियर हो जाता है कि ऐसा नहीं है। जो हम हैं, जो हम आज हमें मिला है, और जो हम हैं और जहां हम हैं, वो सब हमने खुद अर्जित करा है, यानी हमें वही मिला है, हम वही हैं जो हमने खुद पहले अतीत में बनाया है, चाहे वो अतीत इस जन्म का हो या वो अतीत पिछले जन्मों का हो। हम किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, इस पे कृपया विचार करिएगा। अगर तो प्राकृतिक नियम हैं, और अगर आज जो मैं जहाँ हूँ, तो किसी ने तो बोला नहीं कि भैया आज तुम यहाँ पैदा हो गए और तुम्हारे को हम ये दे रहे हैं और तुम ऐसी जियो, तुम्हारे को हमने बीमारी दे दी, तुम्हारे साथ एक्सीडेंट होगा, अभी जो ये ट्रेन क्रैश हुआ उसके अंदर तुम घायल हो गए, तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे, तुम्हारे घर चोरी होगी। दूसरे को बोला कि तुम्हारे को तुम लॉटरी की टिकट खरीदो, तुम्हें लॉटरी मिलेगी, तुम्हारे को तुम अप्लाई करो कौन बनेगा करोड़पति, आपको वहाँ बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे पैसा जीतोगे। तो ऐसे क्या ऐसे है? ये तो बिल्कुल खिलाफ जाता है प्राकृतिक नियमों के, ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ जाता है। क्या कोई ऐसा ईश्वर हो सकता है, कोई ऐसी फोर्स हो सकती है जो बोले अपने बच्चों को, अगर हम उसके संतान हैं सबके सब, कि भाई तुम्हारे को तो मैं तकलीफ दूंगा, तुम्हारे को कम तकलीफ दूंगा, तुम्हें ऐश करवाऊंगा और तुम्हें तो बहुत ही बढ़िया राजा की तरह रहोगे। तो हम भी अगर अपने बच्चे हैं हमारे अगर, तो हम उनके साथ भी ऐसा पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो कौन सा ऐसा प्राकृतिक नियम है जिसके अंदर कोई ऐसी पार्शियलिटी हो सकती है? कोई भी नहीं है। तो कर्म का सिद्धांत हमें बताता है, ये परफेक्ट जस्टिस का सिद्धांत हमें बताता है, इससे इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं कि जो हम हैं और जहां हम हैं वो हमारे अपने ही पुराने कर्मों के कारण हैं। तो ये हमारा दूसरा, हमारी समझ हमने गेन करी थी, इसको हमने समझा था। तीसरी बात कि जो कर्म हम कर रहे हैं, वो जो कर्म हैं इन चारों माध्यम से, एक्शन से, स्पीच से, इमोशन से और थिंकिंग से, ये चारों जो हमारे कर्म के जो तरीके हैं करने के, ये इतने सारे हम कर्म कर रहे हैं एक जन्म में, 70 साल के मान लो एक एवरेज एज है, तो उसके अंदर हर रोज़ कितने हम कर्म कर रहे हैं, इतने कर्म का जो रिएक्शन है, हम कैसे वो फल को भोगेंगे? नामुमकिन है इतने फलों को भोगना। तो ये क्या होता है, जो कर्म हैं ये एक जगह संगठित कलेक्ट हो जाते हैं, और जहाँ पे इसे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो जो हम भोग लेते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, जो नहीं भोग पाते, जो रिएक्शन हम बियर नहीं कर पाते, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने किसी को गाली दी या थप्पड़ मारा, उसने भी वापस मुझे गाली दे दी या थप्पड़ मार दिया, बात बराबर हो गई, काम ख़त्म, ना उसके पास कोई कर्म का कोई रहा, ना मेरे पास रहा, बराबर हो गया, इसके अंदर कोई भी कोई कहीं पे कलेक्शन नहीं हुआ इसका, ये अपने आप एग्जॉस्ट हो गया, ये कर्म, ये चेन टूट गई, ये कर्म बंधन ख़त्म हो गया।
मगर बहुत सारे ऐसे हम कर्म करते हैं जिनका बंधन या रिएक्शन खत्म नहीं होता। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करा जाता है लाइफ आफ्टर लाइफ, और उसको बोला गया है, हमने पिछली बार ही समझा था, संचित कर्म, हमारा खुद का इंडिविजुअल कलेक्टिव कर्म। जैसे कि एक बैंक में हमारा अकाउंट हो, उस अकाउंट के अंदर वो सारा रिकॉर्ड है कि हमने जब लोन लिया बैंक से और फिर हमने उसकी EMI भरी, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब वहाँ इकट्ठी होके जमा होती हैं, और इसके हम संचित कर्म हमने इसको कहा है। दूसरा हमने जो समझे थी बात इसी से रिलेटेड, कि जब एक जन्म के अंदर हमारे पर लिमिटेड टाइम है, एक जन्म तो हमारा लिमिटेड ही है 70 साल का, उसमें हम लिमिटेड कर्म ही भोग सकते हैं, और ना सिर्फ भोगते हुए हम नए कर्म भी बना रहे होंगे। तो जो इन कर्म का सिद्धांत के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो इसको लागू करते हैं, जिनको सनातन धर्म में लिपिक कहा गया है, हम उनको थियोसफी में लॉर्ड्स ऑफ कर्मा कहते हैं। यानी वो उच्च एजेंसीज, वो हायर एजेंट्स जो इस कार्मिक अकाउंट्स को मैनेज करती हैं, जैसे कि कई अकाउंट्स डिपार्टमेंट आप जाओगे ना किसी गवर्नमेंट या किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे जो जो वो कंपनी के आ रहा है, माल आ रहा है जा रहा है, जो भी खर्चा पैसा फाइनेंसिस का जो भी हिसाब हो रहा है, उसका सारा देख रेख वो करते हैं। ऐसे हमारे कर्मों का भी जो है देख रेख एक ऐसी एजेंसी, एक बहुत बड़ा अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, जिसको हम लॉर्ड्स ऑफ कर्मा या कार्मिक डेटीज़ कहते हैं, वो लोग इसको देखते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि भाई इसका संचित कर्म तो इतना है, अब ये जो नया जन्म होने वाला है, इस जन्म के अंदर इसको हम कितना कर्म दें भोगने के लिए, क्योंकि पूरा तो नहीं भोग सकता ये, तो वो कुछ अमाउंट उसमें से निकाल के देते हैं। जैसे कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ मार्केट में कुछ काम करने के लिए, मुझे कुछ सामान वहाँ पे आज ख़रीदना है, कुछ अमाउंट ही मैं ख़रीद सकता हूँ, पूरे दिन तो मैं नहीं कर सकता, मैं पूरी तिजोरी का सामान तो नहीं ख़रीद सकता आज अपना जो मेरे पास में है पैसे, कुछ जो मेरे को ज़रूरी है वो मैं ख़रीदने के लिए जाता हूँ, तो उस हिसाब से मैं पैसे लेके जाता हूँ घर से बाहर। तो ऐसे ही कुछ अमाउंट ऑफ कर्मा को वो इस जन्म के अंदर भोगने के लिए देते हैं, इस कर्म को जो एक जन्म के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे दिया जाता है एक प्राणी को, एक ह्यूमन बीइंग को, इसको कहा गया है प्रारब्ध कर्म, स्टार्टिंग से पहले ही प्रारब्ध कर्म, ये भी हमने लास्ट में बात करी थी। प्रारब्ध कर्म के बारे में हम आज थोड़ा सा और बात करेंगे। प्रारब्ध कर्म जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसको देखिए, आप भी खुद हैरान होंगे क्योंकि इस पे ज़्यादा सोचा नहीं होगा आपने भी। एक बच्चा एक जगह पे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, एक राजा के घर पैदा हुआ। राजा का मतलब हो गया कि एक सोसाइटी के अंदर बहुत हाई लेवल का कोई व्यक्ति है, वो अगर डेमोक्रेसी है तो वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, रूलिंग पार्टी के अंदर हो सकता है, या बहुत अमीर व्यक्ति हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन का घर हो सकता है। तो जहाँ ऐशो आराम उसको मिलेगा, सारी सहूलियतें उसे मिलेंगी जो एवरेज व्यक्ति को उस देश की नहीं मिलती, वो हम कहेंगे राजा। इन दैट सेंस राजा के घर पैदा हुआ और एक बच्चा जो है दूसरी जगह पैदा हुआ। तो जो बच्चा राजा के घर पैदा हो रहा है वो अपने प्रारब्ध की वजह से पैदा हो रहा है। वो जो बच्चा पैदा हुआ वो आदमी, मतलब मेल है कि फीमेल है, आगे चल के आदमी एडल्ट बनेगा, मेल फीमेल क्या बनेगा, क्या जेंडर के साथ पैदा हो रहा है, वो भी प्रारब्ध का हिस्सा है। उसके माता पिता कौन होंगे वो भी प्रारब्ध का हिस्सा है। वो जिस घर में पैदा हो रहा है उस घर का अपना क्या धर्म है जिसको वो फॉलो करते हैं, वो भी प्रारब्ध का हिस्सा है। वो क्या क्या फीचर्स लेके पैदा हो रहा है, मान लीजिए जन्म से ही उसकी आंखें कमज़ोर हैं, या उसको कोई ऐसी जन्म से ही बीमारी है, या उसके अंदर टेंडेंसी है, जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को दमे के अटैक होने चालू हो जाते हैं, या उनको जॉन्डिस हो जाता है बहुत जल्दी,
या अनाना प्रकार की बीमारियां हैं, इसमें हम नहीं जा सकते इस टाइम पे, मगर आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हुआ या बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। तो स्वास्थ्य जो है, जो हेल्थ लेके पैदा हुआ है, वो भी उसका प्रारब्ध है। बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसे पड़ोसी मिलेंगे, वो भी उसका प्रारब्ध है, उसके हाथ में नहीं है। फिर बच्चा कौन से स्कूल में भेजा जाएगा, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चे के कितने बड़े या छोटे भाई बहन होंगे, बच्चे के रिलेटिव्स कौन होंगे, ये सब प्रारब्ध में आता है। बच्चे के हाथ में ही नहीं है कुछ, उसको ये दे दिया गया है, इस सिचुएशन में डाल दिया गया है। जैसे कि हम आज सोएं और कल उठें, ऐसी जगह पे उठें जहाँ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ऐसे देश में उठें, ऐसे शहर में उठें, ऐसी जगह पे उठें, ऐसे घर के अंदर उठें और हम कहें ये हम कहाँ आ गए, फिर हम धीरे धीरे समझें हम कहाँ आ गए, फिर हमें बताया जाए भी तुम्हारा नाम ये है और हमें अपने बारे में बताया जाए। तो ऐसी हालत के अंदर जो व्यक्ति पैदा हो रहा है, ये सारे कंडीशंस को हम कहते हैं प्रारब्ध, क्योंकि उसके हाथ में नहीं, ये दी गई हैं, ये हमारे हाथ में, और यही उसकी लाइफ की जर्नी को चेंज करती हैं, पूरी की पूरी चेंज कर देती हैं। आज जो सचिन तेंदुलकर के घर पैदा होगा और आज जो है किसी गांव में किसान के घर पैदा होगा, दोनों की लाइफ चेंज हो गई, पैदा होते ही चेंज हो गई, उनका रास्ता ही पूरा चेंज हो गया, ट्रैक ही चेंज हो गया, और ये इनके हाथ में नहीं था कहने को तो, मगर प्रारब्ध तो उनका अपना ही है। और कहाँ से आया, उनके संचित से आया है। तो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा ने जो प्रारब्ध दिया, तो प्रारब्ध का 90% हिस्सा जो है, कहाँ पैदा हो रहे हैं, किस घर में पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है। कुछ हिस्सा जो बचता है, वो हिस्सा आगे आने वाले जो जन्म है, जो उस पूरा लाइफ पीरियड जो निकलेगा, उसके अंदर उसको क्या क्या पॉइंट्स पे फेस करनी पड़ेगी, कई चीज़ें उसमें आता है। जैसे कि अगर उसका कोई एक्सीडेंट, वो खड़ा हुआ है और अचानक जो है उसको कोई आके मार जाए, हम देखते हैं कि व्यक्ति खड़े हुए हैं, कोई गाड़ी ने आके मार दिया, या हम ट्रैवल कर रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, हमारा कोई उसके अंदर हाथ नहीं था उस एक्सीडेंट में, हमने तो कुछ भी नहीं करा, मगर एक्सीडेंट में हम पार्ट थे। तो ये प्रारब्ध है, ऐसे हम समझ सकते हैं। आप भी आप सोचेंगे अपनी लाइफ के अंदर कौन से ऐसे पार्ट्स थे जहां आपने तो कुछ करा नहीं मगर आपके साथ घट गया। आप जो मर्जी कहिए कि काश मैं वहां ना जाता आज, काश मैं आज चले जाता वहां पे आज, तो मेरे साथ ये हो जाता, मेरे साथ वो हो जाता। तो ये जो प्रारब्ध है, ये 90% तो वैसे हो जाता है जहाँ हम पैदा होते हैं, और बाकी जो 10% है, वो जो 10% है आने वाले टाइम के अंदर जो वो जीता है उसके अंदर वो एग्जॉस्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें समझना है कि प्रारब्ध क्या है जो हमारी लाइफ के अंदर है, तो हम आराम से देखें कि हम जो पैदा हुए हमारे हाथ में नहीं, और जो हमारे लाइफ में जब घटता है, जब हम कुछ करते नहीं, तो वो प्रारब्ध ही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमारे लाइफ में कोई इवेंट्स होते हैं जो उसके लिए हमने कुछ नहीं करा, तो वो प्रारब्ध है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम करते हैं मगर रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं, तो भी प्रारब्ध है। जैसे कि मैं 2-3 साल IAS बनने के चक्कर में मैंने एग्ज़ाम दिए, भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी प्रारब्ध है। ऐसे ही मैंने सोचा मैं आर्मी में जाऊँगा, मैंने बड़ी कोशिश करी, नहीं हुआ। तो हम नाना प्रकार की कोशिशें करते हैं अलग अलग जगहों पे, कुछ जगह पे सक्सेसफुल होती हैं, कुछ जगह पे सक्सेसफुल नहीं होती हैं। जैसे अभी हमने पहले बात करी कि चोरी होना, हम घर से बाहर गए, हमने सब अपने ताले वाले सब सही लगाए हुए हैं, हम एक फैमिली फंक्शन में गए 2-3 दिन के लिए, बाहर वापस आए तो चोरी हो चुकी थी। अब इसमें हमने तो सारे वो प्रिकॉशन लिए कि भाई चोरी ना हो, अगर फिर भी चोरी, ये आपका प्रारब्ध है। तो ये प्रारब्ध जो है, हम अपनी लाइफ में जब देखेंगे, हम सोचेंगे, आज जो आप सुन रहे हैं इसके बाद आप सोचिएगा, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, किसको दोष देंगे। अब अगर मैं अपनी पूरी मेहनत करके अपने हिसाब से कोई चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ और वो फलित नहीं हो रही है, तो ये मेरा प्रारब्ध है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोशिशें छोड़ देनी है। हम इसको नाम देते हैं तकदीर, डेस्टिनी, किस्मत।
मगर ये जो किस्मत का नाम हम दे रहे हैं ये हमारी ही संचित से निकला हुआ है और हमारा ही कर्म का हिस्सा है, तो हम किसको दोष दें? हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हमें अपना पूरा काम करना है। और हम अब आगे इसके नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा हम उसके अंदर देखेंगे कि ये प्रारब्ध के बाद में क्रियामान कर्म क्या होता है और आगम कर्म क्या होता है और स्पेसिफिक कर्म क्या होता है और जनरल फंड कर्म क्या होता है। इनको भी हम जब ठीक से और समझेंगे तो हम इस कर्म का सिद्धांत पे कुछ पकड़ हमारी मजबूत हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड को ध्यान से सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।